अब यहाँ पर दुर्गा पूजा उसका भी मेला होने वाला है। यहाँ पर ये बोट वोट भी सही करे जा रही है इस पे, मतलब कोई एक बोट स्टैंड के पास, और यहाँ से तो बहुत ही सुंदर है यार। सो हाय गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो सुबह के करीब बज रहे हैं 8:30 और आज है 29th of September और इस वक्त मैं मॉल रोड में खड़ा हुआ हूँ। बाकी क्या है यार, आज का वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। सो आई थॉट कि आज वेदर पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं तो यही पूछ रहे थे कि वेदर ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही, आना सेफ रहेगा या नहीं, दिन में कैसे कपड़े पहने, शाम को कैसे कपड़े पहने। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो और कल वाली भाई वीडियो देख लेना, कल मैंने रावण का किरदार करा था और परशुराम का, तो डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, तो वो भी देखना इसके साथ साथ। बाकी जो न्यू व्यूवर्स होंगे उन्हें लग रहा होगा मैंने रावण का कैसे कर लिया किरदार, तो देखना और फिर उस पर कमेंट करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ से जो नैना पिक है, चाइना पिक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। देखो ना वेदर कितना प्यारा हो गया है और आज सुबह सुबह और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी गाइड आइड मिल जाएंगे आपको मॉल रोड की शुरुआत में मल्लीताल में, जो आपको कहीं भी 7 पॉइंट्स हो गए, चाहे आपको होटल वोटल देखने हैं तो यहीं पर ही मंडराते में मिल जाते हैं बहुत से लोग। बाकी सब लोग अभी सुबह सुबह अपने काम धंधे में जा रहे हैं भाई। सामने रिक्शे से लोग उतर रहे हैं, काफ़ी स्कूल को भी बच्चे जा रहे हैं, टैक्सी एक्सी भी सब यहीं पर ही दिख रही है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी लेक साइड की तरफ को, वहाँ से देखते हैं वेदर कैसा हो रहा है। तो आ गए हैं हम बोट स्टैंड के पास और यहाँ से तो बहुत ही सुंदर है। वाह वाह क्या बात है, इतने दिनों बाद नैनीताल शहर में दोबारा से धूप की रौनक लौट आई है और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है यार, मन को लुभावने वाला मौसम है। तो सुबह सुबह तो बहुत ही सही दिख रहा है, काफ़ी सुबह टूरिस्ट भी आ चुके हैं। देखो सुबह 8:30 बजे मतलब लोग दिख रहे हैं यार बोटिंग करते हुए, और लेक का लेवल भी बहुत सही ऊपर तक भरा पड़ा है। अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई बारिश वारिश तो कुछ भी नहीं दिख रही है। देखो पानी कितना साफ़ है कि मछलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं यहीं से। अगर आज के वेदर की बात करें ना भाई, बारिश वारिश कुछ भी नहीं है, ब्लू स्काई दिख रहा है पूरा। बाकी क्या है कि अगर आज के टेम्परेचर की बात करें, मॉर्निंग में हो रहा है 13 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, दिन में जा रहा है 19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, और शाम को जा रहा है भाई 11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। तो ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है टेम्परेचर में। अगर जो लोग आ रहे हो, देखो दिन में तो गर्मी रहने वाली है, दिन में आप टी शर्ट में इजीली घूम सकते हो, लेकिन शाम होते ही 5 बजे के बाद एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो जा रहा है, 11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मतलब पहुँच जा रहा है। तो भाई कुड़कुड़ाने वाली, क्या कपकपाने वाली ठंड हो जा रही है। सो ध्यान रखना, आ रहे हो जैकेट लेकर आना, गर्म वुलेंस लेकर आना, शाम के लिए बहुत ज़रूरी है। टोपा ओपा भी भाई अब तो निकल रहे हैं, लोगों ने टोपे ओपे निकालने शुरू कर दिए, तो शाम को ठंड हो जा रही है। यहाँ पर ये बोट वोट भी सही करी जा रही है इस पर, मतलब कोई एक कोटिंग लगाई गई है जिससे वाटर प्रूफ कोटिंग की पानी मतलब पार ना हो बोट से। पता नहीं रेजिन है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। बाकी मछलियों को देख कर क्या कहें यार, मछलियाँ देखे तैर रहो, और सामने जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं ना इस वक्त झील में यार, उससे झील झिलमिला रही है, देखो कितने मस्त लग रहा है ना। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं। तो आई एम वॉकिंग विद माई शेडो और माई शेडो इज़ वॉकिंग विद मी, चलो दोनों ही ठीक है। बाकी इधर चाय की टपरी अपरी अभी लगी पड़ी है, हम चलते हैं थोड़ा मंदिर की तरफ को। अच्छा काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना मंदिर का रास्ता भी यार, देखो जब हम मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास आओगे ना, उसके बाद गोविंद बल्लभपन जी की मूर्ति दिखेगी, उससे ठीक अंदर कोई ऐसे ही, ये जो रास्ता आगे से आ रहा है यहीं से होते हुए स्ट्रेट नैना देवी टेम्पल जाता है। तो यहाँ पर मतलब जब आओगे तो लुंडा मार्केट लगी भी होगी, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 100-100 रुपये में कपड़े मिल रहे थे गुची अरमानी के। तो अभी तो खैर सुबह का वक्त है तो कुछ लगा नहीं है यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है ये एरिया, बट ये है कि मतलब थोड़ा सा किसी लोगों को चेंज भी लग सकता है, अबे यार ये वही रास्ता है या नहीं है। एक वेरी मेरे पास ही आ रही थी यहाँ पर जो लुंडा मार्केट लगती है फुटपाथ वाले एरिया में, क्या इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है? ऑफिशियल टाइमिंग तो वैसे है, बट ये है कि यार ये लगे रहती है, रेगुलर ही लगती है, हर रोज़ लगती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कई जैसे कभी होता है शनि बाज़ार लगता है, कभी मंगल बाज़ार लगता है, नैनीताल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लुंडा मार्केट है शनिवार तो मतलब रेगुलर सातों दिन लगती है। अब यहाँ पर दुर्गा पूजा उसका भी मेला होने वाला है, तो दुकानें लग रही हैं, उतने ह्यूज स्तर पर तो नहीं होता जिस तरीके से नंदा देव का मेला होता है, पर ये कि उसका सा एक सूक्ष्म रूप दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, ये टीन इन की दुकानें अब लग जाएंगी। 1 तारीख से है वो मेला, मतलब ऐसा ह्यूज मेला नहीं होगा, सूक्ष्म सा होगा,
घबराना मत, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं भैया मेला नैनीताल में तो दोबारा से भीड़ तो शुरू नहीं हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के पास पहुंच चुके हैं तो सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाए तो दिन अच्छा जाता है, तो सभी मेरे साथ दर्शन कर लें। नवरात्रों का दिन चल ही रहे हैं आजकल, बहुत ही पावन पर्व है आजकल। तो ये रहा मुख्य मंदिर माँ नैना देवी मंदिर, और ये रहा हनुमान जी का मंदिर, वो सामने शिवलिंग शिव भोलेनाथ। जय हो प्रभु, कृपा करो, कृपा करो सब पर, मुझ पर भी। जय हो मैया, जय हो मैया। फेरी आ रही थी यार, हमने खाना यहाँ पीछे अच्छे खाया था लेकिन उन्हें वो टेस्ट नहीं मिला। देखो आपको अगर फास्ट फूड खाना है तो दिस ये चाट मार्केट है, फास्ट फूड के लिए ये जगह अच्छी है, बट आपको सही मायनों में खाना खाया तो आपको बड़ा बाजार ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहीं जाकर आपको अच्छा खाना मिल पाएगा, क्योंकि सारा जो एरिया है ना अच्छा, मतलब खाना खाने का सारा बड़ा बाजार में ही है, वेज से रिलेटेड और नॉन वेज से रिलेटेड दोनों ही। सो यहाँ पर मतलब वैसा नहीं मिलेगा, फास्ट फूड तो गुड। शायद किसी ने नई नई बाइक खरीदी हुई है तो उसकी बाइक की होती नहीं अस्त्र पूजा, वो हो रही है, तो यार अपनी भी किसी दिन बाइक आएगी, लेट्स सी, भगवान ने कृपा रखी। तो चलो यहाँ से हम तिब्बती मार्केट के अंदर चलते हैं। सो ये भी अभी कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं, तो तिब्बती महिलाएँ अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में दिख जाएंगी यहाँ पर। ये जो ये देखो ये तिब्बती महिलाएं हैं, ये अपनी वेशभूषा में हैं। बाकी कल वाला वीडियो भी देख लेना भाई, उसमें रावण बनाओ यार, रामला वाला व्लॉग भी तो देख लो जितने हो, ये तो खैर लोग देखते ही हैं, बाकी वो व्लॉग भी देखो यार, बहुत ही मेहनत से बनाया था यार मैंने, और रावण का किरदार करा है और साथ ही परशुराम का किरदार करा है, तो दोनों ही कर रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, देख लेना। और साथ क्या है कि आज रात को श्रवण कुमार नाटक है, तो श्रवण कुमार भी बन रहा हूँ, वो वीडियो कल डालूंगा तो वो भी देख लेना। वो श्रवण कुमार नाटक है, बड़ा ही अच्छा नाटक है, मतलब आप देखना और बताना कैसा लगा। बाकी आज का तो वेदर वेदर बता ही रहा हूँ यार, वो चीज़ें भी देखा करो, सिर्फ वेदर के अलावा वो चीज़ें भी डालता ही रहता हूँ यार। कार पार्किंग वाले एरिया में पहुँच गए हैं, यहाँ से एक मस्जिद कितनी सही लग रही है, अरे भाई क्या बात है यार, मस्त सी लग रही है ना एकदम मस्जिद। और बाकी नैनीताल तो आज बहुत ही सही लग रहा है यार। तो खड़ी बाज़ार आ गए हैं, खड़ी मंदिर से खड़ी बाज़ार का रास्ता जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है यार, इजीली पहुंच जाओगे आप पीछे पीछे तिब्बती मार्केट से होते हुए, फिर मस्जिद से इधर को, और यहीं से आगे जाके हेरिटेज मार्केट भी है। सो खड़ी बाज़ार हेरिटेज मार्केट मिलती जुलती हैं, खाना आना भाई यहाँ पर सही मिल जाता है। यहाँ पर कोई एक जोशी बालाजी वैष्णव भोजनालय है, एक तो प्योर वेज जिसे चाहिए, फिर बाकी यहाँ से आगे को जाकर हेरिटेज मार्केट में शिवा रेस्टोरेंट, अनुपम रेस्टोरेंट और बहुत से रेस्टोरेंट हैं, वहाँ जाके पेट भर के अच्छा खाना खा सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो सेट लास्ट। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो बस सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेरा पिशुम।